सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज चैप्टर 8। सो फर्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, सो द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इन डी सब शेल। ठीक है, अगर हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो दैट इज एन माइनस वन डी 1 to 10 एंड एन एस टू। नाउ दिस एन माइनस वन इज नोन एज पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, जो सेकेंड लास्ट शेल होता है एन हुआ, तो एन से सेकेंड लास्ट जो हुआ दैट इज एन माइनस वन, तो दैट इज नोन एज द पेनल्टीमेट शेल। सो वी कैन से द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द डी सब शेल और द पेनल्टीमेट शेल, वेयर एन इज द आउटरमोस्ट शेल एंड एन माइनस वन इज द सेकेंड लास्ट, दैट इज पेनल्टीमेट शेल। नाउ द ग्रुप नंबर वी कैन से 3 to 12 ऑक्युपाइज ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट और सेकेंड इज द एस ब्लॉक एलिमेंट, 13 से 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। सो ग्रुप नंबर 3 to 12 में जितने एलिमेंट्स आते हैं दे आर कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट, एज वी हैव डिस्कस नाउ कि जैसे एस और पी ऑर्बिटल के बीच में ही ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, मीनिंग देयर प्रॉपर्टीज आर ऑफ इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, हेंस दे आर नोन एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये तो हो गए बेसिक डेफिनेशन। इन जनरल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बोलें, सो दोज एलिमेंट इन विच और वी कैन से दोज एलिमेंट विच पोजेस इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल, incomplete filled d orbital in its atomic or in ionic state. In general अगर हम define करें incompletely filled d orbital, meaning d में 1 से लेके 9 तक वो completely filled नहीं होनी चाहिए। second point अगर d 10 भी है तो उसकी आयनिक या ऑक्सीडेशन स्टेट में वो D9 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s1 3d10, तो यहाँ तो d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, बट अगर मैं Cu2+ बोलूँ तो Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो ये बन जाएगा 3d9। तो अब क्या आ गई इसकी इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल d ऑर्बिटल आ गई, तो ये क्या एक्ट करेगा ट्रांजिशन एलिमेंट। सो दोज एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, और वो किस स्टेट में, या तो ग्राउंड स्टेट में, जर्नल अगर हम बोलें स्कैंडियम होता है 4s2 3d1, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट हुई। ठीक है, इसी की आयनिक स्टेट में ये डी जीरो हो जाएगा, पर किसी एक स्टेट में डी इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, या तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट हो या वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वॉट इज द क्राइटेरिया ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इट मस्ट पोजेस incompletely filled or we can say partially filled d orbital. So इसी answer से एक और question arise होता है, that is zinc, cadmium and mercury are not considered as a transition element. ये series में तो present होते हैं, 30 atomic number है इसका, तो 3d series में तो present है, but it is not considered as an transition element. तो for example 30 के लिए configuration होती है 4s2 3d10, और zinc की ionic state में भी ये 3d10 है। ठीक है, तो क्योंकि d इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली कैल्शियम इज नॉट टेकन एज एन ट्रांजिशन एलिमेंट, 20 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन आते आते 4s2 हो जाता है, 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट डू नॉट पोजेस एनी पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल, हेंस दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज एन ट्रांजिशन एलिमेंट। That is, ना उनकी ग्राउंड स्टेट में ना ही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करती है। सो देर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज इन विच इज स्प्रेड ओवर बिटवीन द ग्रुप 3 and 12। द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज नोन एज अ 3d सीरीज एज इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन टू 3d ऑर्बिटल। सिमिलरली 4d सीरीज, 5d सीरीज
एंड 6d सीरीज. तो दीज आर द फोर ट्रांजिशन सीरीज विच इज प्रेजेंट. सो फर्स्ट सीरीज है फ्रॉम स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक, जिसको हम ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. बाकी सिमिलर ही प्रॉपर्टीज होती हैं. येट्रियम 39 से कैडमियम 48, लेंथनम 57 से मर्करी 80. इसी के बीच में आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, ठीक है, लेंथेनॉइड्स दैट इज. और 6d सीरीज जो एक्टिनम है अभी भी इनकम्प्लीट है, और एक्टिनॉइड्स आर इंक्लूडेड इन दैट सेक्शन. सो सबसे पहले हम 3d सीरीज डिस्कस करेंगे. 3d सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. तो हमें सबसे पहले ये सीरीज में लर्न होना चाहिए, ठीक है. सीरीज के लिए आप एक स्टेटमेंट लर्न कर सकते हैं, सिंपल है स्टेटमेंट. साइंस टीचर वी करे माइंड फ्रीज, कूल नहीं कंफ्यूज जिंदगी, ठीक है. अगेन, साइंस टीचर वी करे माइंड फ्रीज, कूल नहीं कंफ्यूज जिंदगी, ठीक है. अब सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी आनी चाहिए. एटॉमिक नंबर, अगर आप जब सीरीज लर्न कर लेते हैं तो एटॉमिक नंबर भी आपको सीक्वेंस में लर्न हो जाएंगे. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ठीक है. अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NS2, N-1, D1 टू 10. डी ऑर्बिटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में आता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s2 3d1, ठीक है. सिमिलरली 4s2 3d2, 4s2 3d3. यहाँ ये एक्सेप्शनल केस है जहाँ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल आर हाईली स्टेबल, तो इस केस में d4 ना होके d5 हो जाता है. मैंगनीज अगेन 4s2 3d5, ठीक है. आयरन 4s2 3d6, कोबाल्ट 4s2 3d7, निकल 4s2 3d8. अगेन कॉपर आते आते 4s2 3d9 ना होके 4s1 3d10, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड एंड पार्शली फिल्ड आर हाईली स्टेबल, तो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है. और जिंक के केस में इट इज 4s2 3d10, ठीक है. सो इम्पॉर्टेंट, जो मैक्सिमम टाइम आपने 11th में भी ये कॉन्फ़िगरेशन किया था, ये इम्पॉर्टेंट है कि इस केस में 4s2 3d4 नहीं होता या 4s2 3d9 नहीं होता. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम इसकी आयनिक स्टेट लिखते हैं किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट की, जब हम आयनिक स्टेट लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव होते हैं वो पहले एस ऑर्बिटल से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कैंडियम है और स्कैंडियम 2+ अगर मैं लिखूँ तो इट विल बी एस से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो कन्फिग्रेशन हो जाएगी d1, ठीक है. और स्कैंडियम 3+ में द कन्फिग्रेशन विल बी d0. सिमिलरली अगर मैं टाइटेनियम 3+ लिखूँ, टाइटेनियम 3+, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले एस से रिमूव होंगे, देन 1 इलेक्ट्रॉन डी से. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैक्सिमम टाइम यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, वो पहले डी से रिमूव कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. पहले हमें NS2, आउटर मोस्ट इज द NS ऑर्बिटल, ये सेकेंड लास्ट है, तो ये आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है. तो वेनेडियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो वेनेडियम अगर 3+ लिख रही हूँ तो इट विल बी d2 कॉन्फ़िगरेशन. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ठीक है. इस चैप्टर में भी हम मैक्सिमम क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी को आगे एक्सपैंड कर रही हूँ, इफ इट इज क्रोमियम 2+, तो 1 इलेक्ट्रॉन एस से, 1 इलेक्ट्रॉन 2 से, तो Cr2+ इज d4, ठीक है. सिमिलरली Cr3+ इज d3, ठीक है. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैंगनीज के लिए 4s2 3d5 था, तो Mn2+ हाईली स्टेबल होगा. Mn2+, रीजन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है. तो Mn2+ इज 3d5.
सिमिलरली एम एन थ्री प्लस इज 3d4, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव आउटर मोस्ट शेल से होगा, देन द इनर वन। आयरन Fe2+ इज 3d6 और Fe3+ इज 3d5, ठीक है। तो ये Fe2+ था और ये Fe3+ है। अब आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ही बता सकते हो कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो Fe3+ इज मोर स्टेबल बिकॉज उसमें d5 कंप्लीटली हाफ फिल्ड स्टेट में होता है। अगेन अगर हम कॉपर का केस लें तो यहाँ पे Cu+ और Cu2+ की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बोलूँ, प्लस में वन इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा तो ये d10 है और Cu2+ में d9, तो हाईली स्टेबल कौन से वाला केस होगा, d10 वाला, दैट इज Cu+।